एक अहम खबर देते हैं आपको सरगोधा से, जहां बागतावाला के करीब पाक फजाइया का F-7 तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक तैयारा खेतों में गिरकर तबाह हुआ, दो पायलट जख्मी हो गए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे 92 न्यूज़ के नुमाइंदे असद मुनीर से। असद मुनीर, ये बताएगा पायलट्स की हालत कैसी है और क्या बताया गया है इस वाक़े के बारे में? जी बिल्कुल, सरगोधा के नवाही इलाका 27 टाक के करीब एक खेतों में तरबियती ये तैयारा जो है F-7 गिरकर तबाह हुआ है। जो हमारी एयरफोर्स के जराये से बात हुई, उन्होंने ये बताया कि ये स्मुंगली बेस कोयटा से ये आया था, यहाँ पर रूटीन की एक्सरसाइज में के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर आखिरी सिग्नल जो पायलट ने डिलीवर किया उसमें उसने बताया कि फनी खराबी के बाद हम लोग इजेक्ट कर रहे हैं, जिसके बाद उन्हें इजेक्ट करने की इजाजत दी गई और उन्होंने इजेक्ट किया। अभी तक रेस्क्यू ज़राए ने यह बताया कि दोनों पायलट, एक पायलट की टांग टूटी है और दूसरे पायलट की बाजू टूटा है, जिन्हें फौरी तौर पर रेस्क्यू कर दिया गया है। स्ट्राइक तक में हसास अदारे और एयरफोर्स के अफसरान मौका पर पहुंच चुके हैं। तमाम मलबा को कॉर्डन ऑफ, इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। रेस्क्यू की गाड़ियां भी वहां पर पहुंची हुई हैं। जहाज गिरने के बाद ये खेत थे जहाँ पे ये जहाज गिरा था, इसलिए कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। जी ठीक है, असद मुनीर ये बताएगा कि जो जख्मी हुए हैं पायलट्स, उनकी हालत कैसी है, किस अस्पताल मुंतकिल किया गया उन्हें? जी बिल्कुल, ये PF बेस के हॉस्पिटल में ही उन्हें शिफ्ट किया गया है और एयरफोर्स के अफसरान और अमला नहीं, रेस्क्यू अफसरान और अमला थे जिन्हें उन्हें रेस्क्यू किया है और उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। दूसरी टीमें रेस्क्यू 1122 पुलिस और हसास अदारे वहाँ पर पहुंचे हुए हैं और पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है और तकरीबन वहां पर तमाम जो मलबा है जहाज का उसको जमा किया जा रहा है। जी ठीक है, असद मुनीर हमारे साथ मौजूद रही। हम अपने नाजरीन को एक बार फिर बताते चलें कि सरगोधा में बागतावाला के करीब पाक फजाया का F-7 तैयारा गिरकर तबाह हुआ है। तैयारा खेतों में गिरकर तबाह हुआ, दो पायलट जख्मी हुए। असद, इस बारे में ये बताइएगा, कुछ बताया गया है कि क्या फनी खराबी पेश आई? जी बिल्कुल, जो हमारी एयरफोर्स के जराये से बात हुई है उन्होंने यही बताया है कि ये क्योंकि कोयटा से ये आया था स्मुंगली बेस से और फ्लाइंग के दौरान जब ये यहाँ पर सरगोधा के एरिया में पहुंचे हैं तो वहाँ पे लास्ट सिग्नल जो सरगोधा में कन्वर्ट फॉरवर्ड किया गया उसमें पायलट की तरफ से ये बताया गया कि इसमें फनी खराबी है। तहम इसकी डिटेल तो नहीं मालूम हो सकी, लेकिन आखिरी सिग्नल, आखिरी जो मैसेज डिलीवर किया गया उसमें यही बताया गया था कि यहाँ पर जहाज के अंदर फनी खराबी है, जिसकी उन्होंने इजाजत तलब की कि वो इजेक्ट करना चाहते हैं, जिसके बाद उन्हें इजाजत दी गई और उन्होंने इजेक्ट किया। जो वहां पर मौके पर मौजूद लोग थे उन्होंने ये बताया कि दोनों पायलट जो हैं वो थोड़ी सी हाइट से ही इजेक्ट किया था उन्होंने, जिसके बायस उनको चोटें भी आई और एक पायलट जो है उसकी टांग टूटी है और दूसरे पायलट का बाजू टूटा है। हमारे रेस्क्यू अफसरान से बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि ये हसास अदारे के अफसरान थे और इन्हें हसास अदारे की रेस्क्यू गाड़ियां ही यहाँ पर PF हॉस्पिटल में ले गई हैं, जिसके बायस इनकी मजीद इस बारे में मालूमात नहीं मिल सकी, ना ही इनके नाम मिल सके हैं। ठीक है, तर्जमान पाक फजाइया का कहना है कि तैयारा मामूल के ऑपरेशनल तरबियती मिशन पर था और बागतावाला के करीब पाक फजाइया का F-7 तैयारा गिरकर तबाह हुआ है, जिसके नतीजे में दो पायलट जख्मी हुए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है।